ये यूफोरिया कंपनी का वायु 4711 मॉडल है। इसके पीछे यदि आप मॉडल नंबर चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ रहता है वायु 4711। इस मोबाइल में ख़राबी ये है कि हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने पे या इस प्रकार से वायु पर रखा हुआ रहता है, और इस ख़राबी को ठीक करने के लिए हम इस मोबाइल को फ्लैश करते हैं। इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसकी फ्लैश फाइल होना चाहिए, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर टेस्टेड फाइल के फोल्डर में और वायु 4711 के फोल्डर में, या इसकी फ्लैश फाइल जो है वह V1 और V2 दो वर्जन की फाइल आती है। तो इसमें हमारे मोबाइल के पीछे जो वर्जन लिखा हुआ रहता है, जैसे कि अभी हमारे मोबाइल के पीछे स्टिकर पे वर्जन जो लिखा हुआ है वह, जैसे कि इसका मोबाइल का हार्डवेयर वर्जन जो लिखा हुआ है वह 1.0 लिखा हुआ है, और सॉफ्टवेयर वर्जन जो लिखा हुआ है वो वर्जन 0.0.8 लिखा हुआ है। तो जो हार्डवेयर वर्जन है वह 1.0 है, तो इसके लिए हमने V1 वाली फ्लैश फाइल को यूज करेंगे, क्योंकि इसका हार्डवेयर वर्जन 1.0 है मोबाइल का। इस मोबाइल में दो वर्जन के फ़ोन आते हैं, एक V1 आता है, V2 आता है। V1 वाले मोबाइल पे हार्डवेयर वर्जन में 1.0 लिखा रहता है, और V2 वाले मोबाइल में हार्डवेयर वर्जन में 1.1 लिखा रहता है। अब जैसे कि हमारे मोबाइल में वर्जन 1.0 लिखा हुआ है पीछे, तो इसका फोल्डर ओपन किया और इसकी यह फ्लैश फाइल है। मोबाइल के पीछे सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो V0.0.8 लिखा हुआ था, तो यह इसकी फ्लैश फाइल है। इस फाइल को सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करा लेंगे। एक्सट्रैक्ट कराने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो यह फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाती है। और फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद अब हम इसमें फ्लैश टूल जो यूज करते हैं वह वेलफ टूल यूज करेंगे, HQXA कस्टमर DL EMMC वाला। इसका फोल्डर हमने ओपन किया, और इसके फोल्डर को ओपन करके ये ETS स्टार्ट रन सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यह हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, और सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद अब हम मोबाइल को जो है कनेक्ट करते हैं। मोबाइल को कनेक्ट जो हम करेंगे, इस समय हमारा मोबाइल जो है वो ऑफ होना चाहिए और बैटरी चार्ज होना चाहिए, तो मोबाइल को हम ऑफ कर लेंगे, बैटरी चार्ज है। और इसमें वॉल्यूम अप बटन जो होता है वह बटन दबाएंगे, तो इसमें हम वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को हम दबाएंगे। यह बटन दबाते हमारा मोबाइल फास्ट फूड मोड में आना चाहिए। जैसे कि यह दोनों बटन दबाने पर मोबाइल में जो है वह रिकवरी मोड ओपन हो जाता है, और रिकवरी मोड में ऑप्शन आता है रीबूट टू बूट लोडर का, तो इसमें जाके हमने रीबूट टू बूट लोडर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, और पावर बटन द्वारा इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने अभी रीबूट टू बूट लोडर सिलेक्ट कर लिया था, और मोबाइल केवल यहाँ पर रुका हुआ रह जाता है, तो इसका मतलब ये मोबाइल फास्ट फूड मोड में है। इसमें मोबाइल की स्क्रीन पर फास्ट फूड मोड लिखा नहीं आता, यदि यहाँ पर रुका हुआ रह जाता है तो इसका मतलब मोबाइल जो है फास्ट फूड मोड में आ चुका है। इसके बाद मोबाइल को हम USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने पे यदि हम डिवाइस मैनेजर के अंदर चेक करेंगे तो ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस नाम से आने लगता है, तो इसका मतलब ये मोबाइल हमारा फास्ट फूड मोड में कंप्यूटर से ठीक से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम यहाँ से USB में जाएंगे, और USB में जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे डिवाइसेस में मोबाइल जो हमारा एंड्रॉयड बूट लोडर नाम से था, तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड बूट लोडर आ रहा है, यहाँ से हमको उसका नंबर देखना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे ये USB में कौन से USB पे है, ये USB 111 पे है। यहाँ से इतना देखने के बाद अब हम यहाँ से सेट में आएंगे, और सेट में आने के बाद DL मोड के अंदर यहाँ से इमरजेंसी डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पाथ वाइप में फोल्डर पर टिक लगाएंगे, यहाँ पे हम चेंज पाथ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी हमारे कंप्यूटर में इस मोबाइल की फ्लैश फाइल थी, जैसे कि इस मोबाइल की फ्लैश फाइल हमारे सी ड्राइव में टेस्टेड फाइल 3 के फोल्डर में, वायु 4711 के फोल्डर में, V1 के फोल्डर में, और वायु 4711 के फोल्डर में हमने एक्सट्रैक्ट कराई थी। इस पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करके हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे USB जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा था, तो फर्स्ट नंबर के अंदर जाके हम USB 111 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका
ऑप्शन उसका नंबर जो आ रहा था वह USB 111 आ रहा था। USB 11 सेलेक्ट करने के बाद बाकी की जितने भी ऑप्शन है सबको नल सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें यहाँ पे फाइल को ये चेक करता है कि किस वर्जन की फाइल है, सही फाइल है या नहीं। पूरी फाइल लोड होने के बाद अब हम मोबाइल को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करने के बाद मोबाइल को इस समय रुका हुआ रहता है तो हम पावर बटन द्वारा इसको ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद इसमें वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन या दोनों बटनों को एक साथ दबाएंगे और मोबाइल के अंदर हम USB केबल लगाएंगे या दोनों बटन दबा के मोबाइल के अंदर USB केबल लगाते ही मोबाइल जो है हमारा कॉम बनाने लगता है डिवाइस मैनेजर के अंदर क्वालकॉम नाम से और यहाँ पे उस कॉम के आगे सारा डाउनलोड मोड लिखा आ जाता है। तो इसका मतलब मोबाइल जो है वो डाउनलोड मोड में ठीक से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद अब हम स्टार्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं और स्टार्ट ऑल पे क्लिक करते इस प्रकार से मोबाइल हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रोसेस के अंदर बताता है कितनी परसेंट ये प्रोसेसिंग हो गई है और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड सक्सेस लिखा जाता है और मोबाइल को हम कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद मोबाइल जो ऑटोमेटिक अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है और अपने आप यहाँ पे ऑन होने लगता है और इसके बाद इस प्रकार से वायु से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इंसर्ट सिम की सेटिंग्स से स्किप करेंगे और इसको स्किप करेंगे, स्किप एनीवे, इसके बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, इसके बाद स्किप, इसके बाद नेक्स्ट और इस प्रकार से हम मोबाइल पूरा ऑन हो जाता है, इसका मेन्यू जो है वो खुल जाता है।